और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है, शहरी विकास विभाग के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं, 11 अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए। बड़ी खबर देहरादून से, शहरी विकास विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले हुए, ट्रांसफर हुए अधिकारियों के, 11 अधिकारी और कर्मचारी ट्रांसफर किए गए। लेखा अधिकारी गणेश भट्ट को सहायक नगर आयुक्त हल्द्वानी पद पर तैनात किया गया। गौरव भसीन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पौड़ी बनाए गए हैं। इसके अलावा चंद्रकांत भट्ट को सहायक नगर आयुक्त ऋषिकेश नगर निगम में तैनाती मिली है और सुभाष कुमार को वरिष्ठ सहायक पद खटीमा में तैनाती मिली है। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को लेकर भू वैज्ञानिकों ने भी चिंता जाहिर की है। विशेषज्ञों का कहना है कि जोशीमठ में अनियंत्रित विकास, ड्रेनेज सिस्टम का ना होना इसकी बड़ी वजह है। इसके साथ ही विष्णुगढ़ परियोजना की टनल और बाईपास निर्माण भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अब तो केवल बचाना, लोगों को बचाना रह गया, जोशीमठ बचने से रहा, जोशीमठ का मेजर पोर्शन बचने से रहा, ये बड़ी उदास हकीकत है। अब सवाल ये उठता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको तत्काल इवैक्यूएट करके, उनको बड़े पैमाने पर उनको रेस्क्यू करके उनको अन्यत्र बसाया जाए, वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाए। और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, लोगों के बीमार बच्चे हैं, बीमार हैं घर में, बुजुर्ग हैं, इन तमाम को बहुत जल्दी इवैक्यूएट करना चाहिए। जोशीमठ में घरों में आ रही दरारों को लेकर अब संतों ने चिंता जाहिर कर दी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इसे लेकर सरकार को पत्र लिखा और सर्वे कराने की मांग की है। जोशीमठ शहर के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। घरों में आ रही दरारें लोगों के साथ ही अब संतों के लिए भी चिंता का कारण बन गई है। सवाल इस धार्मिक शहर को बचाने का है जो आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली भी रही है। इस पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी चिंता जाहिर की है। पिछले लगभग 8-9 महीनों से वहाँ पर भू दशाओं की खबरें आ रही थी, संकेत मिल रहे थे, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से ये भू दशाओं बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रातों रात कई मकानों में दरारें पड़ जा रही हैं, सड़कों के ऊपर दरारें पड़ जा रही हैं और इसी तरह से लोगों को अपना घर छोड़ करके किसी रिश्तेदार के यहाँ अथवा सड़क के ऊपर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। बहुत ही भयावह स्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में इस समय की जो तात्कालिक आवश्यकता है वो ये है कि वहाँ पर अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों के दल भेजे जाएं ताकि वो अध्ययन करें कि आखिर ये किस कारण से हो रहा है। जोशीमठ शहर को बचाने के लिए सरकार को पत्र लिखा गया है जिसमें सरकार से मांग उठाई गई है कि शहर को बचाने के लिए फौरन एक्शन लिया जाए। हमारी ये मांग है सरकार से कि अब बिल्कुल भी इसमें विलंब नहीं होना चाहिए और अतिशीघ्र जो है इस घटना का पुनरावृत्ति न हो, कोई ठोस उपाय किए जाने की बहुत ज़रूरत है। पहला पहलू यह है। दूसरा ये है कि जोशीमठ जो है सारे संसाधनों से युक्त सीमांत इलाका है और जोशीमठ से 100 किलोमीटर की दूरी पर भारत तिब्बत सीमा शुरू होती है बाढ़ावती में, और इसलिए भी ये सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर सेना का मुख्यालय है, गढ़वाल स्काउट्स है, ITBP की बटालियंस है। लोगों के साथ ही अब संत भी जोशीमठ शहर को बचाने की मांग उठा रहे हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस धार्मिक शहर को किसकी नजर लग गई है? क्या ये कुदरत का कहर है या फिर इंसानी दखल का नतीजा? ABP गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। देखिए, जोशीमठ में तबाही का मंजर ऐसा है कि कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां पर दरारें ना हो। आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की एक रिपोर्ट। हम जोशीमठ शहर में हैं और यहाँ की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये डराने वाली हैं और ये दिखाती हैं कि किस तरीके से स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। देखिए, जिस छत पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मैं सामने दिखाता हूँ आपको, ये मंदिर था यहाँ पर और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर लोगों ने बताया कि जिस तरीके से दरारें पड़ रही थी पूरा घर टेढ़ा हुआ और उसके बाद पूरा मंदिर जो है छत से पलटकर पीछे चले गया। ये चीज़ें दिखाती हैं कि लोग कितनी दहशत में यहाँ पर हैं, कितनी दिक्कतें उनको हैं और धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो और ख़राब होती जा रही है। मैं जिस छत पर खड़ा हूँ वो छत भी पूरी तरीके से पूरा घर जो है टेढ़ा हो चुका है, नीचे भी इस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई हैं। मनोहर, आप नीचे दिखाइए कि किस तरीके की स्थितियाँ हैं और किस तरीके की दरारें हैं। देखिए, बड़ा खौफनाक है, बहुत डरावना है। देखिए किस तरीके से घरों में दरारें पड़ गई हैं। तो ये एकदम से हुआ है या कितने दिनों से, थोड़ा बताइए। सर, पहले तो हर की दरारें थी,
परसों जब रात को काफ़ी ज़्यादा हुआ तो फिर उस दिन से काफ़ी दरारें आ गई, रह नहीं पाए इधर, मतलब रहना मुश्किल हो गया है। मेरा घर देखो आप, यहीं से नीचे सारा हमारा ही परिवार है, ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया। इधर स्कूल में रखा है, स्कूल में भी 6-7 परिवार रखे हैं, छोटा सा कमरा उसमें कितने रहेंगे, ना खाना बना सकते हैं वहाँ, ना सो पा रहे हैं ढंग से, लाइट नहीं है वहाँ पे, बहुत शौचालय की व्यवस्था कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बहुत कम मतलब आते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की है, बाकी किसी से कोई जवाब ना पूछता है और ना कुछ है। कभी अगर हमने जैसे विरोध किया, जैसे इनकी एक चाची हैं, उन्होंने जब विरोध किया तो DM साहब आए, देख के फिर चले गए, और कुछ ऐसी कुछ नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, देखिए अब ये लोग हैं जो हमारे साथ युवा थे, ये उनका घर है, वो यहाँ पर आए हैं, स्कूल में रुक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब हम, क्योंकि छत पर रहना भी कहीं ना कहीं ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि छत पूरी तरीके से टेढ़ी हो चुकी है। जिन सीढ़ियों से इस वक्त मैं नीचे जा रहा हूँ, वो सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो पूरी तरीके से टूटी हुई हैं। कुछ सीढ़ियाँ देखिए, नीचे की सीढ़ी है वो पूरी तरीके से यहाँ से जो है अलग हो गई है, गिर गई है, और जो घर की कंडीशन है वो तो बयां करती है कि कितना इस वक्त जो है इन लोगों के में दर्द है, और इसी वजह से उनकी आंखें जो हैं भावुक भी हैं। देखिए आप किस तरीके से एक आशियाना जब किसी का इस तरीके से उजड़ता है, इस तरीके से जब टूटता है, तो कितना दुख होता होगा, और आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं, कई पीढ़ियाँ उनकी यहाँ पर रही, लेकिन इस तरीके से उन्होंने कभी नहीं देखा जो आज देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे इस शहर के अस्तित्व को बचाया जाएगा, ये सवाल है, बार बार हम कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अभी बहुत डर के साए में हैं, और स्कूल में रिश्तेदारों के यहाँ अपनी रातें गुजार रहे हैं, सुबह के वक्त पर आते हैं, अपने घर को देखते हैं, वो पहले दिन से दूसरे दिन और भी ज़्यादा टूटा हुआ दिखाई देता है। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, जोशीमठ। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को लेकर हेलंग बाईपास निर्माण काम और NTPC तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण काम को रोक दिया गया है, और इसके साथ ही जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी बंद कर दिया गया है। जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट है, और ABP गंगा पल पल के अपडेट दे रहा है कि जोशीमठ में जिस तरीके से घरों में, होटल में और वहां पर दरारें आई हैं, लोग दहशत में हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो ग्रामीण बता रहे हैं वो यही कारण है कि यहां पर जिस तरीके से जो हेलंग बाईपास है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वहां से जो बाईपास बन रहा है, इसके बाद जो है यहां पर कुछ ब्लास्टिंग हुई, और लोगों का ये आरोप है कि इन ब्लास्टिंग के बाद ही जो जोशीमठ में जो घर होटल हैं वहां पर दरारें बढ़ी हैं। ऐसे में निर्माण कार्यों को फिलहाल जोशीमठ में रोक दिया गया है, उसमें चाहे हेलंग का बाईपास हो या फिर NTPC में जो काम चल रहे थे वो हो, या नगर पालिका के जो अन्य निर्माण कार्य थे, उन तमाम कामों को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जानकारी मिल रही है कि जब से इन निर्माण कार्यों को बंद किया गया है, तब से लोग ये भी मान रहे हैं कि उसके बाद कोई बड़ी दरार नहीं देखी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो निर्माण कार्य है, चाहे बाईपास का काम हो, NTPC का काम हो, जो जल विद्युत परियोजना है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है यहाँ के लिए, और कई वर्षों से इन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये जो बाईपास बन रहा था बद्रीनाथ आने जाने वाले यात्रियों के लिए, इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी, लेकिन किस तरीके से जोशीमठ का जो अस्तित्व है वो सरकार बचा पाएगी, किस तरीके से यहाँ पर एक ऐसा प्लान तैयार किया जाएगा कि जोशीमठ का अस्तित्व भी बचा रहे, और तमाम जो ये यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं इनको भी कराया जा सके। जोशीमठ में घरों में दरारें आने के मामले को सांसद तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में उठाया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि खुद PM मोदी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज जो स्थिति बनी है वो बड़ी दर्द, जैसे कहा कि 90 परिवार ऐसे करके 80-90 परिवार प्रभावित हुए हैं, तो उसको लेकर के 11-12 तारीख को मैं स्वयं जाने वाला हूँ, स्थानीय निरीक्षण भी करेंगे, अधिकारियों की बैठक भी करेंगे शायद, लेकिन साथ में हमारी प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी पूरी तरह उसकी समीक्षा कर चुके हैं, समीक्षा हो रही है, और अधिकारियों को निर्देश भी किया है, और जो प्रभावित लोग हैं उनको तत्काल दूसरी जगह हम लोग स्थान दे करके उनको मुहैया कराएं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।